बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, वी आर मीटिंग इन अवर सेकंड सेशन ऑफ लेक्चर नंबर 24। इन प्रीवियस सेशन वी वर डिस्कसिंग अबाउट द थ्योरीज ऑफ एग्रेशन एंड आल्सो वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग थ्योरीज इन सेकंड एंड थर्ड सेशन एज वेल। बट इन प्रीवियस सेशन वी डिस्कस अबाउट द इंस्टिंक्ट थ्योरी एंड इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। बिफोर आई मूव ऑन, आई वुड लाइक टू आस्क यू इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और एनी thing you want to add with respect to the previous theory. beta jo last mein humne theory discuss ki instinct theory, uske bare mein jo kuch humne padha hai ya seekha hai ya samjha hai uske bare mein kuch puchna ya kuch batana ya kuch add karna chahenge? hello no sir acha chale theek hai। फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी। बेटा फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन यानी कि व्हेन यू दिस इज द फीलिंग व्हेन यू वांट समथिंग, जब आपको कोई चीज चाहिए बट यू फेल टू फाइंड दैट थिंग, लेकिन आपको वो चीज मिलती नहीं है, व्हाट हैपेंस? फ्रस्ट्रेशन। मिसाल के तौर पर आप रिक्शा में बैठे हैं या अपनी गाड़ी में बैठे हैं और आप यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हैं और आपका पेपर है और लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि रास्ता ब्लॉक हुआ पड़ा है। अब आप देखते हैं कि पेपर स्टार्ट होने में 5 मिनट रह गए हैं और मैं अभी यूनिवर्सिटी नहीं पहुंचा या पहुंची हूं और रास्ता ब्लॉक है। अब आपके माइंड और दिमाग में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, ये जो फीलिंग्स होगी जिसमें एंजाइटी होगी, परेशानी, बेचैनी, बस आप चाहेंगे बस उड़कर मैं पहुंच जाऊं यूनिवर्सिटी, लेकिन आप नहीं पहुंच पा रहे। तो नहीं पहुंच पाने की वजह से ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो बेटा इस थ्योरी में हम ये पढ़ रहे हैं कि जब आप कोई चीज आप चाहते हैं लेकिन आपको वो चीज मिलती नहीं है तो उसके नतीजे में क्या होता है? गुस्सा होता है। Number one, the theory that frustration triggers a readiness to aggress, yani your aggression sprouts from frustration. Number two, it is a warm evening, yani यहाँ पे एक सिचुएशन बताई जा रही है कि शाम की शाम है और tired and thirsty after 2 hours studying, you borrow some change from a friend and head for nearest soft drink machine. यानी आपने काफी पढ़ाई भी की है और अब आप अपने दोस्त से पैसे बोरो करके उधार लेकर आप किसी करीबी दुकान पे जाते हैं सॉफ्ट ड्रिंक लेने के लिए, सॉफ्ट ड्रिंक मशीन के पास जाते हैं। आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज में बड़ी बड़ी वो मशीनें पड़ी होती हैं, अंदर सॉफ्ट ड्रिंक होता है, आप कोई उसमें सिक्का डालते हैं वहां से आपके लिए वो सॉफ्ट ड्रिंक निकल आता है। तो ये उसके बारे में बता रहा है। नंबर थ्री, As the machine devours the change, you can almost taste the cold, refreshing cola. But when you push the button, nothing happens. यानी आप उसके अंदर पैसे डालते हैं तो आपको बदले में यानी को मिलती है, सॉफ्ट ड्रिंक मिलती है, लेकिन आप बटन को प्रेस करते हैं लेकिन वो काम ही नहीं करता, अब क्या होगा? नंबर फोर, यू पुश इट अगेन, आप उसको फिर दबाते हैं, देन यू फ्लिप द कॉइन रिटर्न बटन। आप क्या करते हैं कि आप कहते हैं चलो कोला नहीं निकल रहा, कोका कोला नहीं निकल रही, तो आप दूसरे बटन को प्रेस करते हैं कि चलो मेरे पैसे तो वापस आ जाएं, स्टिल नथिंग, यानी वो बटन भी काम नहीं कर रहा, आपके पैसे भी वापस नहीं आ रहे। अगेन यू हिट द बटन, आप बहुत प्रेशर से, आप यानी आप कहते हैं ना बार बार फिंगर को प्रेस पे जोर से प्रेस करते रहना ताकि वो पैसे आपके निकल जाए। यू स्लैम द मशीन, आप एक होता ना जो आप कभी कभी बच्चे को थप्पड़ मारते हैं, मशीन को थप्पड़ मारते हैं गुस्से में, होता है ना, आप डस्ट करते हैं मशीन को। अलास, नो मनी एंड नो ड्रिंक, ना तो आपको पैसे मिल रहे हैं वापस, ना तो आपको ड्रिंक मिल रही है। अब आपने थप्पड़ क्यों मारा मशीन को? क्योंकि ना आपको पैसे मिल रहे हैं ना आपको ड्रिंक मिल रही है, तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले गए। जो चीज आपने चाहिए आपको नहीं मिली तो बदले में आपने क्या किया, आपको गुस्सा आ गया। नंबर फाइव, You storm back to your studies. आप वापस आते हैं अपने स्टडी रूम में empty-handed, खाली हाथ, ना पैसे ना बोतल,
शॉर्ट चेंज इट, पैसे भी नहीं है. शुड योर रूममेट बिवेयर, आपके साथ जो आपके रूम रूममेट था आपका, जो आपके साथ पढ़ रहा था, आप उसको तनहा छोड़कर आप पैसे उससे लेकर और आप इस तरह से पैसे अपने गंवा के वापस आ रहे हैं. तो अब ये पूछ रहा है कि अब आपका जो दोस्त था जो आपके साथ रहता है उसको खबरदार रहना चाहिए आपसे. आर यू नाउ मोर लाइकली टू से आर डू समथिंग हर्टफुल, यानी आपके मुंह से अब कुछ ऐसे अल्फाज निकलने वाले हैं जो उसको तकलीफ दे सकते हैं या आप कोई नुकसान भी कर सकते हैं, पॉसिबल है. नंबर सिक्स, फ्रस्ट्रेशन ग्रोज व्हेन आवर मोटिवेशन टू अचीव अ गोल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी आप कोई चीज बड़ी शिद्दत से चाहते हैं. When we expected gratification and when the blocking is complete, यानी लेकिन वो आपको मिलती नहीं है, उसकी gratification नहीं मिलती, हर चीज ब्लॉक हुई पड़ी है, तब जो है वो आपको गुस्सा आता है. Number seven, aggressive energy need not explode directly against its source. यानी जरूरी नहीं है कि जो aggressive energy है वो यानी उसका जो सोर्स है वहीं पे ये एक्सप्लोड हो जाए, उस पर ही एक्सप्लोड हो जाए. वी लर्न टू इनहिबिट डायरेक्ट रिटेलिएशन स्पेशली व्हेन अदर्स माइट डिसअप्रूव और पनिश, इंस्टेड वी डिस्प्लेस अवर हॉस्टिलिटीज टू सेफर टारगेट्स. यानी आप कभी भी डायरेक्टली उसको कुछ नहीं कहते जो मेन वजह होती है आपके गुस्से की, क्योंकि आपको पता है मैं कुछ कहूंगा तो बदले में मुझे थप्पड़ भी पड़ सकता है, मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर सामने पुलिस है तो वो मुझे गिरफ्तार भी कर सकती है अगर मैंने कुछ गुस्से वाला किया. तो आप वो चीज बर्दाश्त करके अब आप क्या करेंगे, अब वो गुस्सा आपको निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई सेफ टारगेट ढूंढेंगे, यानी वो कोई बात वो कोई ढूंढेंगे जिसको आप कुछ कहें तो बदले में कोई आपको कुछ ना कह सके. फॉर एग्जाम्पल कोई भिखारी होता है, कोई बच्चा होता है, या आपके घर का कोई फर्द हो, आप उन पर जाके गुस्सा उतारते हैं. बेटा आपने देखा होगा कभी कभी हमारे जो बड़े होते हैं वो हम छोटों पे आकर गुस्सा निकालते हैं, क्योंकि ऑफिस में यानी वो फ्रस्ट्रेट होकर आए हुए होते हैं. आर्मी वाले जो होते हैं अक्सर वो आप कहते हैं ना चिड़चिड़े होते हैं, बच्चों को मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं. ये चिड़चिड़ापन क्यों आता है, क्योंकि वो सिर्फ सुनते हैं, अपने बाला ऑफिसर्स की सिर्फ सुनते हैं, वहां पे इनको कहने के लिए कुछ होता ही नहीं, बस यस सर कहना होता है उनको बस. तो ये फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है जब वो बहुत कुछ सुनते हैं लेकिन बदले में कुछ ना कह सकें, फिर वो फ्रस्ट्रेशन आकर घर पे निकालते हैं. बेटा इसको हम डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, डिस्प्लेस यानी एक जगह की फ्रस्ट्रेशन दूसरी जगह पे उतारते हैं ना. नंबर एट, डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन एन ओल्ड एनेक्डोट अबाउट अ मैन हु ह्यूमिलिएटेड बाय हिज बॉस पीरियड्स हिज वाइफ. यानी ऑफिस में उसके बॉस ने उसको डांटा, बेइज्जती की, तो वो उस बंदे ने आकर अपनी बीवी पर वो बेइज्जती उतारी, यानी उसको डांटा. हु येल्स एट देयर सन, और वो बीवी क्या करती है, अपने शोहर की डांट का बदला अपने बेटे से लेती है, उस पर यानी येल करती है, उस पर चीखती चलाती है. हु किक्स द डॉग, और वो बच्चा क्या करता है, डॉग होता है ना, उस डॉग को जाके लात मारता है. Which bites the mail carrier, और वो डॉग क्या करता है, वो जो मेल कैरियर होता है, पोस्टमैन होता है, उसको जाके बाइट करता है. Who goes home and berates his wife, और वो बदले में जाकर फिर अपनी वाइफ पे गुस्सा उतारता है. तो आपने देखा कि ये कहां से कहां का गुस्सा कहां तक पहुंच जाता है. जी बेटा डिस्प्लेसमेंट की कोई मिसाल. हेलो, आर यू विद मी? जी सर. बेटा डिस्प्लेसमेंट की कोई मिसाल बताएं. गलती बताएं लेकिन बताएं बेटा. सर जैसे हमारे घरों पे होता है ना कि अम्मी भाइयों वगैरह को डांटती हो तो फिर वो दरवाजों को लाते मार, जब बाहर जाते हैं जोर से दरवाजे मार के जा रहे होते हैं. अच्छा बेटा यहाँ से हमने हमें सबक क्या मिलता है, या पूरी ये जो आपने कहानी सुनी, यानी अब्बास ने आपके फादर को डांटा, आपके फादर ने आपकी मम्मी को डांटा, आपकी मम्मी ने आपके भाई को डांटा, आपके भाई ने डॉग को जो है वो लात मार दी, और डॉग ने जो है वो किसी और को बाइट किया, और उसने जाके फिर अपनी बीवी को, आपने यहाँ से क्या सीखा?
अक्सर यही कि इंसान कमजोर होता है, अपने से कमजोर लोगों पर गुस्सा उतारता है। अच्छा एक ये चीज, दूसरी हमारे लिए बेटा ये सबक है कि कभी कोई हम पे गुस्सा उतारे तो हम नाराज ना हो। हम नाराज, खासकर ये जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, फ्यूचर के लिए बहुत ही कीमती उनको ये एडवाइस है कि जब कभी मियां बाहर से आए और वो उसका मुंह चिड़ा चिड़ा हो, ठीक है, उससे उसको शरबत का गिलास दें और आप तैयारी पकड़ लें कि वो कुछ कहेगा और आप बड़ी मोहब्बत से उसकी कई हुई बातें बड़ी मोहब्बत से सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल लें। थोड़ी देर के बाद फिर वो नॉर्मल हो जाएगी। बेटा क्या सीखा हमने? सर सब्र करना। जी यानी उसको हाँ उससे उसको इजाजत देना कि आपको जो बाहर का गुस्सा है आप बेशक मुझ पे उतार दें और आप नॉर्मल हो जाएं, कोई मसला नहीं। तो अब आप आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि ये चीज आप कर लें और जब वो डांट कर वो फ्रेश हो जाए तो उसके साथ फिर आप मुस्कुराएं। तो दैट इज द बिग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लेडी। सर जी बेटा सर लेकिन इस जमाने में कोई भी सब्र नहीं करता, हर कोई बोलते कि मैं। बेटा मैं जमाने को थोड़ी बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो यहाँ पे जो जो मेरा बच्चा सुना है मैं उसको बता रहा हूँ। अब जमाने की तरफ ना देखें, आप ये देखें मुझे जमाने से जरा हट के जीना है, वो चीज जमाने वाले नहीं कर सकते, मुझे करने हैं। जी सर जी, लेकिन ये कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ना कि आप सबर करते हैं करते हैं करते हैं लेकिन फिर वो आपका सबर एक पीक पर गुजर जाता है, फिर आप कहते हैं कि बाय ओनली मी, कोई और भी तो करे ना सबर। नहीं 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 नहीं, असल में एक एक बंदे ने ये पूछा किसी बुजुर्ग से कि बाबा जी सबर तो करें बर्दाश्त तो करें लेकिन कितनी, उसकी भी तो कोई हद होती है ना। तो सामने वाले ने मुस्कुरा कर कहा कि बेटा ये डिपेंड करता है आपके अपने जर्फ पे, जिसका जितना जर्फ होता है वो उतना ही बर्दाश्त करता है। एक बंदे का जर्फ है एक गिलास जितना, तो वो एक गिलास जितना पानी अपने अंदर होल्ड कर सकेगा, उसके बाद वो कल्टी हो जाएगा। और एक बंदा है जो समंदर का सा जर्फ रखता है, जो चीज आती है वो बंदा बर्दाश्त करता है फिर मुस्कुरा लेता है। तो बेटा ऐसे बंदे ही रियल जेम्स होते हैं। ठीक है बेटा। यस सर। अच्छा नंबर 9। अच्छा अच्छा बेटा मैं आपसे ये चीज पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लड़के बैठे हैं यहाँ पे, आपको अगर फॉर एग्जाम्पल ऐसी बीवी मिले जिसको आप डांटे सिर्फ आपकी डांट सुनकर खामोशी से, और फिर आप जब रिलैक्स हो जाए फिर मुस्कुराकर आपको शरबत का गिलास दे, तो कितनी खुशी होगी आपको, कितनी खुशी होगी। मैं तो कहता हूँ कि मुझ जैसा तो फिर यानी उस बीवी के लिए शेर कहना शुरू कर देगा। और जो लड़कियां हैं फॉर एग्जांपल लड़कियां हैं, आपको कितना यानी खुशी होगी अगर ऐसा आपको यानी अल्लाह मियां देता है कि फॉर एग्जांपल कभी आपको भी तो गुस्सा हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लड़कियों को ही नसीहत हो कि सिर्फ वो ही सुने, वो लड़के जो मैच्योर होते हैं वो भी इजाजत दें अपनी बीवियों को कि अगर उनको कोई गुस्सा है और वो कुछ कहना चाहते तो मुस्कुरा कर उनकी बात सुने और उनका उनको दिल खाली करने दे अपना, और जब वो सब कुछ कह जाए तो फिर मुस्कुरा कर उसके साथ दोबारा बात करें। तो बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, जो लड़कियां हैं विल यू यानी आप खुद को खुश नसीब समझना शुरू कर देंगे कि अगर इस तरह का कोई मियाँ होता है, ऐसा है या नहीं? डू यू एग्री विद मी? यस सर। तो फिर क्यों ना हम, फिर क्यों ना, क्योंकि अब हमारे लिए मियां और हमारे लिए बीवियां ये आसमान से तो नहीं उतरेंगी ना, हमें ही ऐसा बनना है। तो क्यों ना फॉर एग्जांपल जो लड़के हैं वो कहेंगे हमें ऐसा मियां बनना है और जो लड़कियां हैं वो कहेंगे हमें वैसी फ्यूचर की बीवियां वैसी बननी है। तो अगर हम अभी इरादा कर लेंगे तो भी हमारी जिंदगी में बड़ी तब्दीली आ जाएंगी। ठीक है बेटा। लेकिन अगर हम ये कह देंगे कि नहीं आजकल तो पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये कहकर फिर हम दूसरे लोगों की तरह एक आम इंसान की जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे अजाबों के साथ। अच्छा नंबर 9, इन एक्सपेरिमेंट्स एंड इन रियल लाइफ, यानी तजुर्बात जो किए जाते हैं उनमें और रियल लाइफ में, डिस्प्लेस्ड एग्रेशन इज मोस्ट लाइकली व्हेन द टारगेट शेयर्स सम सिमिलैरिटी टू द इंस्टिगेटर एंड डज सम माइनर इरिटेटिंग एक्ट दैट अनलीशेस द डिस्प्लेड एग्रेशन। यानी कि बेटा जो तजुर्बे किए जाते हैं या जो रियल लाइफ होती है
उसमें डिस्प्लेसमेंट को जहां पे पढ़ा जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट में हमेशा यही होता है कि कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है, कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है। अब फॉर एग्जांपल बॉस, बॉस ने क्या कहा, यार तुम तो सिर्फ मुफ्त में पगार ले सैलरी ले रहे हो, तुम हमारे लिए काम तो कोई करते नहीं हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस तो जीरो है। अब उसकी बातें आपके माइंड में गूंज रही है। अब आप घर आ गए, बीवी कहती है अरे जी तुमने मेरे लिए क्या ही किया है, तुमने मेरे लिए तुमने मुझे दिया ही किया है। अब वही बास वाली बातें, बातें सेम। इट मींस अब ये जो बीवी है ये अपने हिस्से की भी डांट खाने वाली है, और जो बास वाला बॉस ने जो कुछ कहा था उसकी पूरी की पूरी ग्रज भी अब इस पे उतरने वाली है। यानी सेम बात, कोई ना कोई सिमिलैरिटी होती है तब, क्योंकि हर जगह पे ऐसा नहीं होता कि बस उधर से लिया और इधर पे फेंका, ऐसा हर जगह नहीं होता। जहां पे कोई ना कोई सिमिलैरिटी देखने को मिलती है वहां पे आप अनलीश हो जाते हैं, और सिमिलैरिटी भी हो और इरिटेशन भी हो। इरिटेशन यानी सामने वाला बंदा आपको कोई ऐसी बात भी कहे जो आपको मजीद गुस्से में डाल दे। अच्छा, नंबर थ्री, लर्निंग थ्योरीज। बेटा इसके अंदर छोटे छोटे कंपोनेंट्स होंगे। रिवॉर्ड्स ऑफ एग्रेशन यानी कि बेटा ये जो गुस्सा है ये आपने सीखा हुआ होता है अपने समाज से, अपने आसपास से। क्यों? लर्निंग में हमने एक क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी, एक ऑपेरेंट कंडीशनिंग पढ़ी थी। ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या थी कि आप हर वो बिहेवियर जिसका आपको रिवॉर्ड मिलता है आप उसको कंटिन्यू करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, और दिन रात मेहनत के बाद अगर आपका ए ग्रेड आ जाता है तो आप फ्यूचर में भी मेहनत करेंगे, लेकिन अगर आपने दिन रात मेहनत की फिर भी आप फेल हो जाते हैं तो फिर आप पढ़ाई छोड़ देंगे। तो यू विल कंटिन्यू योर दैट बिहेवियर व्हिच इज रिवॉर्डेड। बच्चे होते हैं, बच्चों को भी जिस चीज पर रिवॉर्ड मिलता है वो कंटिन्यू करते हैं। कभी कभी हमारे गांव में बच्चों को जो है वो फॉर एग्जाम्पल बच्चा गालियां देता है तो माँ हंसने लगती है, अरे मेरा मुन्ना गालियां दे रहा है। जो भाई होता है उसका चचा होते हैं वो खुश होते हैं कि ये देखो हमारा बच्चा जो है वो अब हम सिंधी में बोलते हैं भूंडो जान, 500 आंगुलियों को यानी स्प्रीड करके लानत करना। तो हम मैंने ये देखा कि खुश होते हैं बड़े कि माशाल्लाह अब हमारा बच्चा जो वो भूंडा देना सीख गया है। तो बच्चा देखता है कि यार ये लोग तो मुस्कुरा रहे हैं, अब वो दोनों हाथों से देता है। अब वो और ज्यादा मुस्कुराते हैं तो फिर वो और ज्यादा चीजें सीखता है। इट मीन्स ये जो एग्रेशन है, ये बच्चा, ये बंदा जो है ये सीखता है एग्रेशन, क्योंकि उसने उसको रिवॉर्ड मिला है इस पर। तो जिस बात पर आपको रिवॉर्ड मिला होता है आप उस चीज को कंटिन्यूसली करते हैं, और जिस चीज पर आपको पनिशमेंट मिलती है आप उस चीज को करना छोड़ देते हैं। दैट इज लर्निंग थ्योरी। नंबर वन, बाय एक्सपीरियंस एंड बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। यानी एक्सपीरियंस भी होता है आपका, आपको और आप दूसरों को भी ऑब्जर्व करते हैं कि भाई फलां चीज पर उसको रिवॉर्ड मिला, ठीक है, तो आप भी वही चीज करना शुरू कर देते हैं। आप देखते हैं कि भाई फलां बंदे ने चीटिंग की थी इसलिए ये पास हो गया, मैं भी चीटिंग करूं। तो आप आसपास में से सबको सीखते हैं। वी लर्न दैट एग्रेशन ऑफन पेस। यानी आप कहते हैं कि देखिए भाई एग्रेशन का जो है वो कभी कभी फायदा भी होता है। फॉर एग्जाम्पल बाजों का आपने देखा होगा कि कोई शोहर होता है गांव में, अक्सर वो अपनी बीवी को दबा के रखता है, गुस्से से बात करता है तो उसकी बीवी उसके कंट्रोल में होती है। अब जो दूसरा बंदा होता है ये चीज देखता है तो वो भी फिर गुस्सा करने की कोशिश करता है कि भाई मैं भी गुस्सा करूं ताकि मेरी बीवी भी कंट्रोल में आए। नंबर टू, पीपल ट्रू कैन लर्न द रिवॉर्ड्स ऑफ एग्रेशन। यानी लोग जो है वो यानी उन्होंने सीखे हुए होते हैं कि भाई ये जो गुस्सा है उसके उसके यानी रिवॉर्ड्स होते हैं, इसके बदले में हमें कुछ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है वो चोरी करता है लेकिन उसको अगर कोई कहता है कि भाई तुमने चोरी की तो वो चीखता चिल्लाता है, भाई तुम लोग मुझे चोर कह रहे हो, और फिर लोग खामोश हो जाता है, नहीं यार बस हम कुछ नहीं कह रहे। अब वो देखता है कि चीखने चिल्लाने से जान छूट जाती है, अब वो क्या करेगा, हर गलत काम करके चीखना चिल्लाना शुरू कर देगा। अक्सर आपने देखा है ना बेटा
कि लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, गुस्से में बात करना शुरू कर देते हैं। आप देखिए टॉक शोज में जो अक्सर लोग गुस्से में आते हैं, तो गुस्से में क्यों आते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में ऑब्जर्वेशन की क्यों ये लोग गुस्से से बात करते हैं, तो बेटा ये इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होती है इनकी, यानी पीछे कोई पर्पज होता है इस तरह से लाउडली बात करने से। क्या फॉर एग्जाम्पल कभी कभी उनसे ऐसे चुपते सवाल पूछते हैं ये जो एंकर पर्सन होते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, लेकिन उनके पास ये मॉरल करेज नहीं होती कि ये माने कि यार सॉरी मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है। अब वो क्या करेंगे, गुस्सा करेंगे, शोर से बात करेंगे ताकि ये परसेप्शन खत्म हो जाए। आपने ये सुना होगा कभी कभी कि आप कभी कभी क्या होता है कि सामने से कोई सवाल पूछता है और ये बंदा जवाब नहीं दे पाता, अब आप दिल में क्या करेंगे, इस बंदे को कसूरवार ठहराना शुरू कर देंगे। उसी वक्त ये बंदा क्या करेगा, गुस्से में आ जाएगा, सामने वाला भी बंदा गुस्से में आ जाएगा, तो गुस्से में ये बात ये गायब हो जाती है कि भाई इस बंदे ने जवाब नहीं दिया था। तो ये फायदा होता है गुस्से में आने का, जब वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है तो इसकी वो खामी छुप जाती है कि इसको कुछ नहीं आता था, इसने जवाब नहीं दिया था। नंबर थ्री, अ चाइल्ड हुज एग्रेसिव एक्ट सक्सेसफुली इंटिमिडेट अदर चिल्ड्रन विल लाइकली बिकम इंक्रीजिंगली एग्रेसिव। यानी एक बच्चा है जो एग्रेसिवली एग्रेसिव मूड में होता है, दूसरे बच्चों को मारता पीटता है और मारने पीटने की वजह से दूसरे बच्चे उनसे थोड़ा कतराने लगते हैं, उनकी चीजें छीनता है, उनके पैसे छीनता है, और ये देखता है यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, फिर वो उस बिहेवियर को कंटिन्यू करता है। नंबर फोर, एग्रेसिव हॉकी प्लेयर्स द वन सेंट मोस्ट ऑफन टू द पेनल्टी बॉक्स फॉर रफ प्ले स्कोर मोर गोल्स देन नॉन एग्रेसिव प्लेयर्स। यानी कि बेटा जो प्लेयर्स होते हैं हॉकी में उनकी भी दो किस्में होती हैं, एक वो होती हैं जो एग्रेसिव होते हैं और दूसरे वो होते हैं जो नॉन एग्रेसिव होते हैं। तो बेटा रिसर्च कहती है कि जो एग्रेसिव प्लेयर्स होते हैं जो फाउल प्ले करना जानते हुए वो अच्छे स्कोर्स कर लेते हैं कभी कभी। नंबर फाइव, इन द वाटर्स ऑफ सोमालिया पेइंग रैनसम टू हाईजैकर्स ऑफ शिप्स आर रिपोर्टेड $150 million इन 2008 रिवॉर्डेड द पायरेट्स दस फ्यूलिंग फर्दर हाईजैकिंग्स। यानी कि बेटा सोमालिया के जो समंदर हैं वहां पे एक बहुत बड़ा जुर्म होता है, आप लोगों को पता होगा, वहां पे पायरेट्स होते हैं, पायरेट्स जो जहाज हाईजेक करते हैं, जहाज जो पानी वाले जहाज है ना उनको हाईजेक करते हैं, फिर जो जिस मुल्क का होता है उस मुल्क से ये लोग भत्ता मांगते हैं कि भाई हमें इतने इतने पैसे दें फिर हम इसको छोड़ेंगे। तो हुकूमतें क्या करती हैं, उनको पैसे भिजवा देती हैं। अब उनको इतने मिलियन डॉलर्स मिलते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कि मिलियन डॉलर्स मिलने के बाद वो काम छोड़ दें, अब फिर वो बार बार दूसरे जहाजों को भी अगवा करते हैं, भाई पिछले जहाजों पर तो हमें इतने पैसे मिले थे। नंबर सिक्स, इन दीज केसेस एग्रेशन इज इंस्ट्रूमेंटल इन अचीविंग सर्टेन रिवॉर्ड्स। यानी इन हालतों में, इन केसेस में एग्रेशन जो है एज ए इंस्ट्रूमेंटल इस्तेमाल होता है पैसों के लिए। नंबर सेवन, टेररिज्म्स पर्पस इज विद द हेल्प ऑफ मीडिया एम्प्लीफिकेशन टू टेररिज। यानी कि बेटा टेररिज्म का मकसद क्या होता है कि तवज्जा हासिल करना, हमें तवज्जा मिले। आपको याद होगा न्यूजीलैंड में एक मस्जिद पर यानी फायरिंग हुई थी जिसमें तकरीबन 50 या 60 मुसलमान थे, वो बेचारे शहीद हो गए थे। तो न्यूजीलैंड की वजीर अजम जैसिंडा आर्डन ने एक प्यारी बात कही थी, उसने कहा था कि ये जो बंदा है जिसने इंसानों को मारा है, मुसलमानों को मारा है, इसने ख्वाहिश जाहिर की है कि मुझे तवज्जा मिले पूरी दुनिया से, लेकिन हम इसको कोई तवज्जा नहीं देंगे और ये इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी, हम इसको कोई तवज्जा नहीं देंगे, इसके बारे में हम जिक्र ही नहीं करेंगे, इसको डिस्कस ही नहीं करेंगे, ये इसकी बहुत बड़ी शिकस्त होगी। तो बेटा 100% करेक्ट थी उसकी ये बात। जब आप जो लोग तवज्जा चाहते हैं इस तरह की एक्टिविटीज के साथ, जब आप उनको तवज्जा नहीं देते तो वो ऑटोमेटिकली वो बात छोड़ देंगे। नंबर एट, किल वन फ्राइटन 10,000 असर्ट्स एन एंशिएंट चाइनीज प्रोवर्ब। बेटा चाइनीज प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि एक को मारो 10,000 लोग डर जाएंगे, एक को मारो 10,000 लोग डर जाएंगे, ये चाइनीज का प्रोवर्ब है। ये टेररिज्म पे फिट आता है कि आप जो एक दो लोगों को मारेंगे तो आपका आपका रोब बैठ जाएगा हुकूमतों के ऊपर। नंबर नाइन, deprived of what Margaret Thatcher called the oxygen of publicity, terrorism would surely damage. बेटा बर्तानिया की वजीर अजम थी मार्गरेट थैचर,
उसने एक फार्मूला दिया था दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए। इसने कहा कि अगर आपको दहशतगर्दी खत्म करनी है तो क्या करें, ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी, ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी, यानी ये जो दहशतगर्द हैं इनको आप पब्लिसिटी दे रहे होते हैं, मीडिया में इनका जिक्र होता है, भाई फलां दहशतगर्दों ने इतने हजार लोगों को मार दिया, इनका इतना रोब है, लोग डरने शुरू हो जाते हैं इन लोगों से, इनका रोब बैठ जाता है, हुकूमत इनकी बातें मानना शुरू कर देती है, उनको अहमियत मिलना शुरू कर देती है, हो जाती है, तो उनको अहमियत नहीं देनी। इसने कहा कि ये ऑक्सीजन पब्लिसिटी वाली ऑक्सीजन खत्म कर दें, यानी इनको पब्लिसिटी ना दें, इनको मशहूर ना होने दें, तो ऑटोमेटिकली दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। यानी अगर इवन 100 बंदों को भी मार देते हैं ये लोग, तो भी आप जो वो आम सी खबरें शाया करें, इन लोगों को कवरेज ना दें, इन लोगों की बातें डिस्कस ना करें मीडिया में, ऑटोमेटिकली इनकी दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी। जी बेटा, ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अपने माइंड में रखें, ऑक्सीजन ऑफ पब्लिसिटी। नंबर 10, इट्स लाइक द 1970s इंसिडेंट्स ऑफ नेक्ड स्पेक्टेटर्स स्ट्रीकिंग ऑन फुटबॉल फील्ड्स फॉर अ फ्यू सेकंड्स ऑफ टेलीविजन एक्सपोजर। अच्छा बेटा, 1970 में क्या होता था, एक ट्रेंड निकला था कि लोग क्या होते थे, तवज्जो चाहने के लिए, अब लाखों लोग स्टेडियम में बैठे हैं तो एक बंदे को कोई तवज्जो नहीं मिलती, तवज्जो वसूल करने के लिए वो बंदा क्या करता था, कपड़े उतार कर ग्राउंड में आ जाता था। अब फिर क्या होता था, पूरी मीडिया की कैमरा उस बंदे की तरफ थी और वो बंदा मशहूर हो जाता था। नंबर 11, वंस द नेटवर्क्स डिसाइडेड टू इग्नोर द इंसिडेंट्स द फिनोमेनन एंडेड। और जैसे ही कैमरामैनों ने, मीडिया ने इन लोगों को कवरेज देना छोड़ दी, फिर वो लोग भी ग्राउंड में आना उन्होंने खत्म कर दिया। 1970 में बेटा ये चीज हुई थी, तो मीडिया ने उनको कवरेज नहीं दी, उनको रिपोर्ट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें खत्म हो गई। यानी कि बेटा यहां से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीजें ज्यादा डिस्कस होती है मीडिया पे, वो चीजें ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग देखें, ये जो बच्चों के साथ रेप होता है, बच्चों चाइल्ड अब्यूज होता है, अब यहां से हम सीखते हैं कि जितना ज्यादा मीडिया इनको जिक्र करेगा उतने ज्यादा केसेस बढ़ेंगे, लेकिन अगर इन केसेस को डिस्कस करना ही छोड़ देंगे तो ये केसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा बेटा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, यानी जो आप देखते हैं वही आप सीखते हैं। नंबर 1, अल्बर्ट बंदूरा, बेटा ये एक साइंटिस्ट था, साइकोलॉजिस्ट था, 97 में इसने कहा, प्रपोज द सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ एग्रेशन। बेटा इस बंदे ने एग्रेशन के ऊपर थ्योरी दी थी, लर्निंग थ्योरी, अल्बर्ट बंदूरा ने, कब दी थी, 1997 में। क्या कहा था, क्या कौन सी थ्योरी थी, लर्निंग थ्योरी थी, किसके ऊपर दी थी, एग्रेशन पे दी थी। नंबर 2, ही बिलीव्स दैट वी लर्न एग्रेशन नॉट ओनली बाय एक्सपीरियंसिंग इट्स पेऑफ्स बट आल्सो बाय ऑब्जर्विंग अदर्स। इसने कहा कि आप दूसरे लोगों को गुस्से में देखते हैं और देखते हैं कि इसको गुस्से का फायदा हुआ, इसने कुछ अचीव कर लिया उस गुस्से के जरिए, तब क्या होता है, आप भी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर बेटा, कोई बंदा है, शरीफ बंदा है, और कोई यानी बदमाश है, वो बदमाश क्या करता है, गुस्से से जाकर जबरदस्ती जाकर उस बंदे की प्लाट पर कब्जा कर लेता है। अब वो बंदा बेचारा लड़ना नहीं जानता, उसको धूंस धमकी के जरिए खामोश करा देता है और वो घर जो है उस पर कब्जा जमा लेता है। अब ये चीज जो देखेगा, अब देखने वाले यही करेंगे, अच्छा गुस्से के जरिए दूसरों के घर हथियार लिए जा सकते हैं, फिर वो लोग भी अपने लिए कोई शरीफ ढूंढना शुरू कर देंगे कि कोई शरीफ हो तो उसकी चीज पर हम कब्जा करें। तो ये चीज कहां से सीखी, अपने माहौल से, ऑब्जर्वेशन के जरिए। इसीलिए कहते हैं ना बेटा, जब आप कोई गलत काम करते हैं तो आप जो गलत काम करते हैं, सिर्फ आपको उस गलत काम का नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपको देखकर जो दूसरे लोग भी गलत काम करेंगे तो उनके गलत काम से भी कुछ ना कुछ कमीशन आपके खाते में जरूर आएगी। एक हदीस मुबारका पढ़ी मैंने, उसमें ये था कि जो भी कत्ल होता है दुनिया में, जो भी कत्ल होता है उसका 1% जो होता है, एक हिस्सा जो है वो काबील जो था हजरत आदम का बेटा, उसके खाते में जाता है, क्योंकि कत्ल को उसने इजाद किया था तो उसके खाते में जाता है। तो बुरी चीज जो कोई करता है और आपको अगर देखते हैं, लोग देखते हैं आपको वो चीज करते हुए, तो आपको भी उस बुराई का हिस्सा जरूर मिलेगा।
इसीलिए बेटा बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि अव्वल तो आप कोई बुरा काम ना करें, लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप अगर किसी बुराई में मुब्तला हैं, कोई बुरा काम करते हैं, तो कोशिश करें कि आपको कोई ना देखे। अगर आपको किसी ने देख लिया, किसी बच्चे ने देख लिया या किसी ने देख लिया और वो ये बात सीख गया और उस वो दूसरों को सिखाएगा, कल आप तौबाई कर लें, आप बड़े बुजुर्ग बन जाएं, वली बन जाएं, लेकिन आपने जो ये खाता खोल दिया, आपने ये जो एक रिस्म चला ली, अब ये पता नहीं कितने लोगों तक आगे चली जाएगी। आप भले तौबा करें लेकिन वो चीज आपके गले में पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर गलत काम अवल करो नहीं, अगर करते भी हैं तो उस तरह से करें कि किसी दूसरे को आप आपसे सजेशन ना मिले कि आप वो लोग भी आपकी तरह गलत काम करें। बाज़ोकात लोग जो है गलत किस्म की वेबसाइट जो है वो दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं, भाई आप उनको भी गलत, आप उनको भी गुनाहगार बना रहे हैं और फिर वो दूसरों को बनाएंगे तो आपको भी उसका बहुत बड़ा बोझ आपके ऊपर पड़ेगा। नंबर टू, अच्छा नंबर थ्री, एज विद मोस्ट सोशल बिहेवियर्स वी अक्वायर एग्रेशन बाय वाचिंग अदर्स एक्ट एंड नथिंग द कॉन्सिक्वेंसेस, नोटिंग द कॉन्सिक्वेंसेस। यानी जैसे आप दूसरे बिहेवियर सीखते हैं, आप बिहेवियर देखते हैं, उनका कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, वैसे ही आप दूसरे लोगों को गुस्सा करते देखते हैं और उनके कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, फिर आप खुद भी एग्रेशन करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फैमिली, खानदान, नंबर वन, फिजिकली एग्रेसिव चिल्ड्रन टेंड टू हैव हैड फिजिकली पनिटिव पेरेंट्स हु डिसिप्लिन देम बाय मॉडलिंग एग्रेशन विद स्क्रीमिंग, स्लैपिंग एंड बीटिंग। बेटा ये पता नहीं किस बच्चे ने बात की थी कि खानदान का भी असर होता है, तो बेटा बिल्कुल होता है। यहाँ पे ये बात बताई जा रही है कि वो बच्चे जो एग्रेशन दिखाते हैं वो क्यों दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने यही चीज देखी है अपने खानदान में, उन्होंने यही चीज देखी है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा देख रहा है कि मेरी माँ को मेरा बाप पीट रहा है, अब वो बच्चा क्या सीखेगा कि भाई अपनी बीवियों को ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। इसीलिए कहते हैं ना अपनी बेबी अपनी बेटी का रिश्ता उस घर में मत दें जहाँ पे मारपीट का माहौल हो, क्योंकि उनका बच्चा यही चीज सीख यही चीज उसने सीखी होगी। आप लोग सिर्फ लड़की और लड़के को देखते हैं, बल्कि आपको तो लड़के और लड़की के माँ बाप को देखना चाहिए कि वो कैसे हैं। 70% लड़की और लड़के के माँ बाप को देखें कि उनके माँ बाप कैसे हैं, 30% आप लड़की को या लड़के को देखें। नंबर टू, दीज पेरेंट्स ऑफन हैड पेरेंट्स हु वर देमसेल्फ फिजिकली पनिट, यानी उनके पेरेंट्स के जो पेरेंट्स थे वो भी फिजिकली पनिटिव थे, इसीलिए उन्होंने अपने बच्चों को ये चीज सिखाई। नंबर थ्री, द करेलेशन बिटवीन पेरेंटल एब्सेंस यूजुअली फादर एब्सेंस एंड वायलेंस होल्ड्स अक्रॉस रेसेस इनकम लेवल्स एजुकेशन एंड लोकेशंस। यानी कि बेटा इन दो चीजों का आपस में गहरा ताल्लुक है। कौन सा? पेरेंटल एब्सेंस, यानी कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट होता ही नहीं घर में, बाप नहीं है, माँ नहीं है, अब वो बच्चे क्या होंगे, उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है और वो लोग क्या करेंगे, गुस्सापन उनमें ज्यादा आ जाएगा। कल्चर, अच्छा बेटा कल्चर का क्या रोल है? नंबर वन, द सोशल एनवायरनमेंट आउटसाइड द होम आल्सो प्रोवाइड्स मॉडल्स। यानी सिर्फ आपकी फैमिली ही यानी रोल प्ले नहीं करती, बल्कि आपका जो कल्चर है आसपास का वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है लोगों को एग्रेशन सिखाने में। नंबर टू, द वायलेंट सबकल्चर ऑफ टीनेज गैंग्स, यानी जो गैंग्स होती हैं, टीनेज गैंग्स होती हैं, उनका जो कल्चर होता है, सबकल्चर होता है, फॉर इंस्टेंस प्रोवाइड्स इट्स जूनियर्स मेंबर्स विद एग्रेसिव मॉडल्स। यानी जैसा कल्चर वो सीखते हैं अपने सीनियर से, वैसा ही कल्चर वो अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा अभी फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कभी कभी टीचर का मुनासिब रवैया नहीं होता है स्टूडेंट्स के साथ, तो ये टीचर कहाँ से सीखता है? ये अपने टीचर से सीख रहा होता है, अपने सीनियर टीचर से सीख रहा होता है कि भाई अच्छा बच्चों के साथ ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। तो आपका जो कल्चर होता है, आपका कल्चर भी कभी कभी आपको गुस्सेला बना रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ क्या कल्चर है कि भाई अक्सर औकात मैंने गांव में अपने आसपास लोगों को ये बातें कहते देखा है कि भाई वो अपने बेटों को कहते हैं कि भाई हमारे पास रो के कभी ना आओ, मार के आओ, हमारे पास रो के कभी ना आओ, दूसरों को मार के फिर आओ, फिर हम फैसला करेंगे। ठीक है बेटा, तो इट मींस वो इंस्टिगेट कर रहे होते बच्चों को कि मारो बच्चों को, दूसरों से लड़ो। ठीक है बेटा, और आपने ये सुना होगा कि भाई हमने भी चूड़ियां नहीं पहन के रखी,
ये जुमला क्या कहता है आपको? हमारे कल्चर में इट मींस हम भी लड़ेंगे। चूड़ियां पहनना यानी ये औरत के साथ एसोसिएट किया जाता है, यानी जो चूड़ियां पहनता है यानी वो औरत हो जाती है, और जो मर्द लड़ता नहीं वो भी औरत की तरह होता है। इट मींस मर्द वो है जो लड़ाई करे। आपने ये सिंधी में कहावत सुनी अक्सर ड्रामा में के मुड़स त फडो न त जडे जो जडो, यानी हकीकी मर्द वो ही है जो झगड़े करे, जो मारे पीटे। ठीक है बेटा। सर घर में भी अगर कोई ये चीजें कहाँ से आती हैं? आपके कल्चर से आती हैं। जी बेटा। सर ऐसे हमारे ऐसे ही छोटे बच्चे आते हैं, बाहर लड़ाई हो जाती है तो घर वाले पहले ये पूछते हैं, तुमने मारा उसे? तुमने मारा मीन्स वो तुमने खाए जो मोचड़े खाए, पर तुमने मारा ये पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं तुम्हारी गलती थी कि नहीं थी, पहले ये पूछ तुमने मारा छोड़ा उसे, छोड़ दिया ऐसे ही छोड़ दिया। सर ऐसा बच्चों को, वो शुरू से ही बच्चों को ऐसा ट्रीट कर रहे होते हैं कि मार के ही आना है बस। जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इट मीन्स आपके कल्चर का बहुत बड़ा रोल होता है आपको एग्रेसिव बनाने में। जी बेटा कोई सवाल? 3 मिनट रह गए हमारे, खत्म हो गया हमारा लेक्चर। कोई सवाल हो, कोई पॉइंट ऐड करनी हो? सर इसी तरह से कुछ माँ बाप ये भी कहते हैं कि बेटा जो कर हो कुछ भी हो उसको ठीक ठाक सामने वाले को जवाब दे के आना या मार के ही आ जाना, फिर घर पे आके देखा जाएगा जो होगा। जी बेटा, हमने असल में बेटा बहादुरी की डेफिनेशन ये रखी है। मेरी नजर में बेटा बहादुर वो है जो 4 बंदों से लड़कर मर कर ये मार खा करना है। मैं बहादुर उसको समझता हूँ जो उनसे भाग कर आ जाए। यानी 4 मारने वाले थे लेकिन वो मार नहीं खाया और वो सही सलामत घर पहुंच गया, ये तो बहुत बड़ी बहादुरी है ना बेटा। तो भागना कोई बुरी बात नहीं है। और बचपन में से यानी मेरा जो छोटा भाई था वो अक्सर यानी इस तरह से 4-4, 5-5 लोगों से लड़ता था, और मेरी आदत होती थी कि मैं इस तरह की सिचुएशंस में भाग आता था। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ कि भाई भागना भी बहादुरों का काम है, बजाय कि पिटवा कर अपने आप को आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कल फिर हमारी मुलाकात होगी 9:30 बजे। ठीक है बेटा, कल हमारी क्लास होगी 9:30 बजे। सर? जी बेटा। सर जी बेटा, ये हमारे टॉपिक्स हैं एग्जाम के लिए। बेटा मैंने कहा था जो हमारे लास्ट 5 होंगे ना, अब कितने हो पता नहीं, कितने क्लास हम कर पाएंगे अभी। ठीक है बेटा, तो जो हमारे लास्ट 5 होंगे जो आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, लास्ट 5 में से आपका पेपर निकलेगा। फिर वो चाहे ठीक है, फिर वो चाहे 22, 23, 24, 25, 26 हो या 21, 22, 23, 24, 25 हो, ये जो लास्ट वाले 5 हो जो भी हो वो आपका सिलेबस होगा, उनमें से आपका पेपर निकलेगा। ठीक है सर। ठीक है बेटा, 10 सवाल होंगे, 5-5 नंबर के होंगे, और आपको इस बार शॉर्ट पेपर लिखना है, आधे आधे पेज का लिखना है और अपना लिखना है। कोई भी चीटिंग नहीं करनी। मैं फिर कहता हूँ कि जो चीटर होगा मैं उसका फेल कर दूंगा, लेकिन अगर कोई बच्चा गलत भी लिखता है तो वो भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है बेटा। जी सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा बेटा सिद्रा, आप जो है ना जल्दी मुझे ये भेजें ताकि मैं कंप्यूटर बंद ना करूं, फौरन मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा लूं। जी जी सर, मैं भेज रही हूं।